फाइनली 2022 का साल शुरू हो चुका है और इस साल काफी सारे लोग अपनी बाइक्स को लेने का प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगाई गई थी पिछले दो साल में चल रही थी, वो अब रिस्ट्रिक्शंस कम होती जा रही हैं और अब लॉकडाउन का डर भी नहीं रहा है। इसीलिए ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने लॉन्च को प्लान कर रही हैं और ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन कर रही हैं, ताकि जो डिमांड तेजी से आ रही है उनको मीट किया जा सके। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो पिछले दो साल में या तो डिले हो गई थी या फिर उनका लॉन्च ही कैंसिल कर दिया गया था, बट इस साल वो बाइक्स लॉन्च होने जा रही हैं। वो कौन सी बाइक हैं जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो बाइक्स इंक्लूड करी हैं वो ना सिर्फ किसी एक सेगमेंट की हैं, ना सिर्फ किसी एक टाइप की हैं, बल्कि वो बाइक्स डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट की हैं, बल्कि वो बाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। जिस तरीके से आप लोग अपने लिए ज़्यादा ऑप्शंस देखना चाहते हैं, उसी तरीके से मैं आपके लिए आज ज़्यादा चॉइसेस लेके आया हूँ उन बाइक्स की जो इस साल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही हैं। तो कौन सी बाइक हैं, उनके अंदर क्या सारे डिटेल्स आने वाली हैं, जिसको जानकर आप लोग ना सिर्फ अपना लॉन्च प्लान कर लेंगे बल्कि अपना बजट भी बना लेंगे उनको प्राइस को जानकर। तो आइए जानते हैं उन बाइक की सभी डिटेल और उनके अपकमिंग प्राइस के साथ कि वो बाइक्स कौन से प्राइस के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही हैं। आइए जानते हैं सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग बाइक्स 2022 इन इंडिया के बारे में। तो जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड की ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी हो, और मैं बात कर रहा हूं इस लिस्ट की पहली बाइक रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 411 के बारे में। ये बाइक जो है ये एक स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक है जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है, और हाल फिलहाल इस स्क्रैम 411 का एक ब्रोशर लीक हुआ था जिसके अंदर इस बाइक की सभी स्पेसिफिकेशंस लीक भी हो चुकी थी, जिससे काफी हद तक आइडिया लग गया था कि ये बाइक किस स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाली है। तो आइए जानते हैं स्क्रैम 411 अपने साथ क्या लेकर आने वाली है। स्क्रैम 411 बाइक के अंदर आपको 411cc वाला सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाएगा और इस इंजन की जो पावर है वो 24.3 BHP की होने वाली है, और इस बाइक के अंदर जो ट्रांसमिशन दिया जाएगा वो सेम ही ट्रांसमिशन होने वाला है जो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के अंदर दिया जाता है। बट हिमालयन और स्क्रैम्बलर में ये फर्क होने वाला है कि हिमालयन के अंदर तो आपको 21 इंच वाला फ्रंट व्हील दिया जाता है, लेकिन स्क्रैम 411 के अंदर आपको 19 इंच का व्हील दिया जाएगा, और जो रियर व्हील है यानी पीछे वाला जो व्हील है वो आपको 17 इंच का ही दिया जाएगा। बाकी स्क्रैम्बलर 411 के अंदर जो आपको सीट दी जाने वाली है वो भी हिमालयन से काफी सिमिलर होने वाली है। जहां तक इसके डायनेमिक्स की बात है, वो कितने डिफरेंस होने वाले हैं वो तो बाइक को चलाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखने में बाइक काफी ज्यादा सिमिलर है, और इस बाइक के अंदर आपको जो सीट दी जाने वाली है वो काफी हद तक डिजाइन वाइज हिमालयन से काफी सिमिलर है। लेकिन इस बाइक में डिफरेंस ये है कि इस हिमालयन के अंदर आपको जो सीट दी जाती है वो आपको स्प्लिट सीट दी जाती है, यानी दो हिस्सों में सीट दी जाती है, लेकिन स्क्रैम्बलर 411 के अंदर आपको सिंगल पीस वाली ही सीट दी जाएगी। बाकी जहां तक स्क्रैम 411 के प्राइस की बात है, तो ये बाइक जो है वो तकरीबन 1.95 लाख से इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी, और जहां पर इसकी लॉन्च की बात आती है तो ये बाइक जो है 15 मार्च को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रही है। जिस हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने अपना ऑफिशियल टीजर लॉन्च करके ये बता दिया है कि 15 तारीख को स्क्रैम 411 आ रही है, तो उसी दिन आपको सारी डिटेल्स इस बाइक के बारे में मिल जाएगी। तो इस लिस्ट की जो नेक्स्ट बाइक है वो भी एक स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक ही है, लेकिन वो बाइक आती है बेनेली की तरफ से, और बेनेली की जो स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक इंडिया में आती है वो 500cc के अंदर आती है, लेकिन बेनेली प्लान कर रही है एक छोटे इंजन के साथ बेनेली स्क्रैम्बलर को लॉन्च करने का, और इस बाइक का नाम है बेनेली लियोनचिनो 250, और ये बाइक जो है 250cc के अंदर साथ आने वाली है, जो थोड़ी सस्ती भी होने वाली है 500 कंपैरिजन में। तो आइए जानते हैं कि ये किस प्राइस के साथ आने वाली है और क्या डिटेल्स अपने साथ लेकर आ रही है। बेनेली लियोनचिनो 250 काफी स्टाइलिश बाइक होने वाली है, जिसके अंदर आपको स्टील ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल दिखाई देगा, और इस बाइक के अंदर आपको सस्पेंशन दिए जाएंगे वो अपसाइड डाउन फोक्स वाले होंगे, यानी USD फोक और कॉम्बिनेशन के साथ इस बाइक को ना सिर्फ स्टाइलिश बना देंगे बल्कि इस बाइक को और ज्यादा कंफर्टेबल भी बना देंगे। ना सिर्फ कंफर्टेबल, बाकी इस बाइक की जो सेफ्टी होने वाली है वो भी बड़ी कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS और ड्यूअल डिस्क जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिखाई देंगे, जहां पर फ्रंट में आपको 280mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी और रियर में आपको 240mm की डिस्क ब्रेक दी जाएगी। बाकी जहां तक इस बाइक के परफॉर्मेंस की बात है, इंजन की बात है, तो इस बाइक के अंदर आपको 250cc वाला सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाएगा जो लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, और आपको 25.8 BHP की पावर को प्रोड्यूस करके
दिखाएगा। बाकी जहां तक बात है इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो देखिए बाइक जो है काफी स्क्रैम्बलर टाइप वाले सेगमेंट में आ रही है। तो स्क्रैम्बलर में तो आपको पता ही है कि रॉयल एनफील्ड भी एक बाइक लेके आ रही है और होंडा की CB350 RS भी आती है जो स्क्रैम्बलर टाइप की ही बाइक है, और यसडी ने अपनी भी स्क्रैम्बलर लॉन्च करी है हाल फिलहाल। तो काफी सारे स्क्रैम्बलर बाइक इंडियन मार्केट में आ रही है, उसी सेगमेंट के आसपास ये बाइक होने वाली है और इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही होने वाला है, जो तकरीबन 270,000 से लेकर 290,000 के बीच में इंडियन मार्केट में होने वाला है। बाकी जहां तक इस बाइक के लॉन्च की बात है, तो ये बाइक इंडियन मार्केट में जून से जुलाई के बीच में लॉन्च हो सकती है। और अब बात करते हैं उस बाइक के बारे में जिसका काफी टाइम से इंतजार किया जा रहा है, बट इस बाइक का जो लॉन्च है वो इंडियन मार्केट में काफी टाइम से डिले भी किया जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूं KTM की बाइक की, जिनके बहुत सारे दीवाने होते हैं, और KTM के दीवानों को मैं ये बता दूं कि इस बाइक की मैं बात कर रहा हूं वो है KTM की RC 390, जिसका काफी टाइम से इंतजार किया जा रहा है। और इस बाइक का जो लॉन्च था वो जनवरी 2022 के अंदर शेड्यूल कर दिया गया था, लेकिन ये लॉन्च भी डिले हो चुका है, जिसकी वजह सामने आ चुकी है। तो KTM के जो लॉन्च है वो इसलिए डिले किए जा रहे हैं जो कि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लॉन्चेस हैं, जितने भी गाड़ियों की डिलीवरी है, वो डिले होती जा रही है। और इसमें भी वही रीजन है कि भाई सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चिप लगती है उसकी शॉर्टेज की वजह से लॉन्च जो है वो डिले नहीं हो पा रहा है, क्योंकि KTM जो है बहुत एडवांस बाइक है जिसके अंदर काफी आपको कमाल के फीचर्स मिलते हैं, और उन फीचर्स को जिस चीज से चलते हैं उसके अंदर सेमीकंडक्टर लगता है, और इसी वजह से इस KTM का लॉन्च जो है वो डिले हुआ जा रहा है। लेकिन अब खबर सामने आ चुकी है, अब सारी न्यूज सामने आ चुकी है कि भैया KTM जो है अपनी इस बाइक को लेकर आने जा रही है। और ये कैसे पता चला है, क्योंकि KTM ने अपनी वेबसाइट पर इस बाइक को लिस्ट भी कर दिया है, और इसी वजह से अब मैं बताने वाला हूं कि ये बाइक कब आने वाली है और अपने साथ क्या फीचर्स लेकर आने वाली है। अब KTM की जो बाइक्स होती हैं वो अपने लुक्स की वजह से यंगस्टर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उनका जो कलर होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन इस बार KTM ने कुछ नया किया है और KTM RC 390 को वो लोग दो कलर कॉम्बिनेशन में लेकर आ रहे हैं, जहां पर एक वेरिएंट में आपको ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन मिल रहा है और एक में आपको ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन सा दिखाई पड़ रहा है। कुछ इमेजेस सामने आई है जहां पर ये दिख रहा है कि भाई KTM जो है RC 390 को ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में लेकर आ रही है। बाकी KTM ने अपनी दूसरी बाइक की तरह इस बाइक को और ज्यादा स्टाइलिश बनाने की कोशिश करी है, जहां पर इस बाइक के अंदर आपको दिया जाएगा LED लाइटिंग सेटअप और आपको कलर TFT का भी डिस्प्ले सामने दिखाई पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस बाइक के अंदर आपको एडजस्टेबल विंडस्क्रीन का भी फीचर अब मिलने वाला है, और इस बाइक में आपको मिलेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, जिससे आप लोग अपने मोबाइल वगैरह को, अपने गैजेट्स वगैरह को ऑन द राइड चार्ज भी कर पाएंगे। और KTM की बाइक्स जिस वजह से इंडियन मार्केट में मशहूर है वो है इसकी कमाल की परफॉर्मेंस। तो जानते हैं कि इसमें कौन सा इंजन दिया जाने वाला है। तो इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाला है 373.2 cc वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो आपको 42.3 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, जो कि काफी कमाल की परफॉर्मेंस होने वाली है। और इसके अंदर आपको जो पिकअप मिलने वाला है, यानी टॉर्क होने वाला है, उसकी फिगर्स बता रही हैं कि वो आपको 37 nm का मिलने वाला है। बाकी जहां पर इस बाइक के प्राइस की बात है, तो देखिए KTM RC 390 जो है वो तकरीबन 280,000 से 285,000 के बीच में, यानी 2.80 से 2.85 लाख के बीच में स्टार्ट हो सकती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि KTM जो है अपनी बाइक के प्राइस को फ्रीक्वेंटली इंक्रीज करती रहती है, और उस हिसाब से इस बाइक का प्राइस 3 lakh तक भी जा सकता है और 3 lakh के आसपास भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जहां पर बात होती है मुद्दे की, भैया कब तक आ रही है ये बाइक, क्योंकि लॉन्च इतना डिले हो चुका है कि अब जो KTM लवर्स हैं उनसे इंतजार नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बता दूं कि अगले 2 महीने के अंदर, यानी जून से पहले पहले, ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। तो हमारी जो नेक्स्ट बाइक है वो इंडिया के काफी पॉपुलर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर TVS की तरफ से होने वाली है, और इस बाइक का नाम है TVS Retron। अब ये बाइक जो है एक नई बाइक होने वाली है, जिसका सेगमेंट जो है काफी डिफरेंट होने वाला है, जिसमें TVS जो है पहली बार आने वाली है। और क्यों नहीं, जब से रॉयल एनफील्ड और यसडी भी स्क्रैम्बलर टाइप सेगमेंट में जा रही है, बाकी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर पीछे क्यों रहेंगे। और इसीलिए TVS भी अब स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक लेकर आने वाली है, और इस बाइक को हाल फिलहाल स्पॉट किया गया था तमिलनाडु के होसूर प्लांट के आसपास, जहां पर इस बाइक को टेस्ट किया जा रहा था। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये बाइक बहुत जल्द शोरूम्स में भी आपको दिखाई देने को मिल जाएगी। और आइए देखते हैं कि भाई TVS अपनी तरफ से कौन सा स्क्रैम्बलर लेकर आ रहा है। तो ये बाइक भी काफी सिमिलर होने वाली है डुकाटी स्क्रैम्बलर के, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको वही ऑफसेट माउंटेड कंसोल दिया जाएगा जो ज्यादातर इटालियन बाइक्स में ही दिया जाता है। इसकी सीट में भी आपको वही स्क्रैम्बलर वाला ही फील आने वाला है। जहां तक इसके सेटअप की बात है, लाइटिंग सेटअप की बात है, तो इस बाइक के अंदर आपको फुली LED लाइटिंग सेटअप दिया जाएगा, जहां पर आपको LED हेडलाइट्स भी दी जाएंगी, LED टेल लैंप्स दिए जाएंगे और LED टेल इंडिकेटर्स भी दिए जाएंगे। बाकी इस बाइक के बारे में बहुत ज्यादा अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ इमेजेस सामने आई हैं, कुछ खबरें सामने आई हैं, जिससे ये लग रहा है कि TVS सब कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ नया करने जा रहा है। और ये लग रहा है कि इस बाइक के अंदर भी आपको वही 200 cc वाला इंजन दिया जाएगा जो TVS अपनी बाइक्स में यूज करता है, जो 197.7 cc का होने वाला है और ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ
आने वाला है। बट अब इस बाइक का जो प्राइस होगा वो कितना होने वाला है, तो देखिए इस बाइक का जो प्राइस है वो अभी गेस करना थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये बाइक जो है तकरीबन 1.5 लाख के आसपास इंडियन मार्केट में आ सकती है। और अगर 1.5 लाख में आपको एक स्टैंडर्ड बाइक मिल रही है तो इससे बढ़िया डील नहीं हो सकती है। बाकी जो लॉन्च होगा वो तकरीबन कुछ महीने में यानी साल के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इंडिया में टूरिंग की वजह से एडवेंचर टूरर सेगमेंट जो है बाइक का वो काफी पॉपुलर होता जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस तो नहीं मिलते, लेकिन उनमें से एक बाइक आती है जिसका नाम है KTM एडवेंचर सीरीज, जिसके अंदर दो बाइक्स आती हैं, एक KTM एडवेंचर 250 आती है और एक आती है 390। और उनमें से जो 390 है उसका भी एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि भाई KTM जो है वो अपनी बाइक्स को अपडेट करने में बहुत माहिर है, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर देती है। तो आइए जानते हैं कि KTM एडवेंचर 390 का जो नया वर्जन आने वाला है ये अपने साथ क्या लेकर आने वाला है। तो KTM 390 एडवेंचर जो है अभी हाल फिलहाल कुछ डीलरशिप पर भी नजर आई है, जिससे ये पता चल रहा है कि भाई बाइक जो है वो डीलरशिप पर पहुंचने लगी हैं और बाइक का जो लॉन्च है वो काफ़ी करीब आ चुका है। और तो और कुछ डीलरशिप ने अनऑफिशियल बुकिंग्स लेना भी शुरू कर दिया है। KTM की जो ये बाइक होने वाली है इसके अंदर आपको कुछ अपडेट्स मिलने वाले हैं, और वो अपडेट ये होंगे कि इन बाइक्स के अंदर कुछ नई पेंट स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो RC 390 के अंदर भी होने वाला है। जैसे ग्रे ब्लैक की स्कीम होने वाली है, ब्लू और ऑरेंज की स्कीम होने वाली है, और जो नया ऑरेंज होने वाला है, मतलब जो ऑरेंज होने वाला है वो थोड़ा सा नया होने वाला है। और ग्राफिक्स का भी कुछ नया इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये बाइक जो है 390 एडवेंचर ये काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई पड़ेगी KTM 890 एडवेंचर के। सिर्फ यही नहीं, इसके टैंक्स के श्राउड्स और साइड पैनल्स का डिजाइन भी अब चेंज कर दिया गया है, जिससे बाइक काफी बदली बदली नजर आ रही है। बाकी जहां तक फीचर्स की बात है तो देखिए KTM जो है वो फीचर्स और परफॉर्मेंस में कभी पीछे नहीं रहता है, और इस बाइक के अंदर भी आपको वही फीचर्स मिलने वाले हैं जो KTM बाइक्स में मिलते ही हैं। जैसे इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा LED लाइटिंग सेटअप, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, जैसे कई सारे शानदार फीचर इस बाइक के अंदर आपको मिलने ही वाले हैं। बाकी इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको 373.2 cc वाला इंजन दिया जाएगा, जिसकी पावर जो है वो बहुत शानदार होने वाली है, जो 42.3 bhp की होगी, और जो टॉर्क होगा वो 37 Nm का होने वाला है, जो काफी हद तक सिमिलर ही है KTM RC 390 के। बाकी कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बाइक के अंदर जो आपको ब्रेकिंग सेटअप मिलने वाला है वो पहले से भी इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी जहां तक लॉन्च की बात है तो ये बाइक जो है वो मार्च और अप्रैल के बीच में लॉन्च होने वाली है। जिस तरीके से पता चल रहा है कि भाई बाइक जो है वो डीलरशिप पे पहुंचने लग गई है, तो उस हिसाब से बाइक बहुत जल्द इंडियन मार्केट में आने जा रही है। पर जहां पर प्राइस की बात है तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई जो KTM एडवेंचर 390 आती है वो तकरीबन 3 लाख से ऊपर ही चली जाती है, 3,20,000, 3,28,000 के आसपास आती है। तो बाइक का प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही चेंज किए जाएंगे, तो प्राइस तो आप लोग को इसी के आसपास मिलने वाला है, 3-3.5 लाख के आसपास। लेकिन जो लॉन्च है वो बहुत जल्द होने वाला है, मार्च और अप्रैल के अंदर ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। तो सिर्फ KTM ही नहीं जो अपनी दो नई बाइक्स के साथ आ रही है, बल्कि रॉयल एनफील्ड भी काफ़ी गुड न्यूज़ आप लोग के लिए लेकर आ रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि रॉयल एनफील्ड जो है वो आने वाले 2-3 सालों के अंदर तकरीबन 25-27 मॉडल इंडियन मार्केट में लेकर आने वाली है। और उनमें से जो पहली रॉयल एनफील्ड की बाइक थी वो मैंने आपको बता दी है कि कौन सी आने वाली है, स्क्रैम 411। लेकिन दूसरी बाइक की अगर बारे में बात करता हूँ तो वो एक होने वाली है 350 cc वाली बाइक, जो रॉयल एनफील्ड की हंटर कही जा रही है। अभी जो हंटर है ये मिटियोर की तरह ही एक बाइक होने वाली है। रॉयल एनफील्ड की मिटियोर जो है क्रूजर बाइक है, जो 2020 के अंदर लॉन्च करी गई थी, लेकिन ये बाइक भी उसी की तरह बेस्ड होने वाली है, जिसका इंजन इसमें वही मिलने वाला है, 349 cc वाला इंजन मिलने वाला है। लेकिन इस बाइक को थोड़ा सा और बजट सेगमेंट में लाया जाएगा, मतलब ये बाइक जो है हंटर जो है थोड़ी सस्ती होने वाली है रॉयल एनफील्ड की मिटियोर से। और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आइए जान लेते हैं। हंटर 350 के अंदर ये नई चीज होने वाली है कि इस बाइक के अंदर दिया जाएगा 17 इंच वाले एलॉय व्हील्स, इससे बाइक को थोड़ा सा ज्यादा किफायती बनाया जा सकेगा, थोड़ा सस्ता बनाया जा सकेगा। और इस बाइक के और प्राइस कम करने के लिए इसके अंदर आपको ट्रिपल नेविगेशन नहीं दिया जाएगा। तो आजकल जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती हैं उसके अंदर आपको ट्रिपल नेविगेशन मिल जाता है, जो नई बाइक्स आ रही हैं। इसी तरीके से रॉयल एनफील्ड की जो मिटियोर आई थी 2020 के अंदर, उसमें भी आपको ट्रिपल नेविगेशन मिल जाता है। ट्रिपल नेविगेशन एक पॉड होता है, इसके अंदर नेविगेशन आता है, कलर डिस्प्ले आता है, उसके अंदर नेविगेशन दिखाई पड़ता है। बट इस बाइक के अंदर नेविगेशन नहीं दिया जाएगा, जिससे प्राइस को और कट किया जा सके। इसके अलावा इस बाइक की स्टाइलिंग में अगर मैं बात करूं क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो इस बाइक के अंदर आपको हैलोजन वाले हेडलैम्प दिए जाएंगे, 10 स्पोक वाले अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, 4 गेटर्स दिए जाएंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर 4 गेटर्स लगा दिए जाएंगे, जिससे थोड़ा सा बाइक को थोड़ा सा और अपीलिंग बनाया जा सके और आपकी सस्पेंशन को प्रोटेक्ट भी किया जा सके। इसके अलावा जहां पर बात करूं मैं लॉन्च की कि कब तक ये बाइक आने वाली है, तो ये मिड 2022 के अंदर ये बाइक इंडियन मार्केट में देखी जा सकती है, जो कंपीट करेगी
होंडा की CB350 RS से, जो RS का आपने रिव्यू देखा होगा मोटोनॉमिक्स पे, उसी की तरह बाइक को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, जहाँ पे फोक गेटर्स मिल जाते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिश बन जाती है, 350cc की ही बाइक है हाईनेस की तरह, लेकिन इसके थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा अपीलिंग बना दिया गया है, कलर थोड़े से फ्लैशी दे दिए गए हैं। उसी तरीके से हंटर को भी चेंज कर दिया जाएगा, थोड़े बहुत चेंजेस करके बाइक का स्टाइल को बदल के, बाइक का सेगमेंट को बदल के लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी जो प्राइस होने वाला है वो तकरीबन 1,70,000 से 1,90,000 के बीच में हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि इंडिया में टूरिंग बढ़ रही है, तो उसको ध्यान रखते हुए एडवेंचर सेगमेंट की बाइक्स और क्रूजर सेगमेंट की बाइक काफ़ी आने वाली हैं और आ भी रही हैं। और इनमें से एक बाइक रॉयल एनफील्ड भी लेकर आने वाली है, जहां पर रॉयल एनफील्ड की क्रूजर बाइक्स तो आती हैं लेकिन वो काफ़ी मशहूर हैं उस चीज़ में, लेकिन एक बड़े इंजन के साथ रॉयल एनफील्ड की क्रूजर नहीं आती है, जो अब आने वाली है क्योंकि राइडर्स की काफ़ी डिमांड थी और उस चीज़ को पूरा करने के लिए रॉयल एनफील्ड एक 650cc के अंदर एक क्रूजर बाइक लेके आने वाली है, जिसका नाम तो अभी डिसाइडेड नहीं है लेकिन 650 क्रूजर होने वाली है जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली है। क्या सारी डिटेल्स हैं, आइए जान लेते हैं। तो 650 क्रूजर के अंदर आपको वही इंजन दिया जाएगा जो रॉयल एनफील्ड की एग्जिस्टिंग बाइक्स इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT में दिया जाता है। और इस बाइक के इंजन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो 648cc का ये इंजन है जो ट्विन सिलेंडर ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और पावर की जहां तक बात है तो 47 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 52 RM का टॉर्क जनरेट करता है। अगर आप लोग ने मोटोनॉमिक्स पर इंटरसेप्टर की वीडियो देखी है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बाइक के अंदर किस तरह की पावर दी जाने वाली है। बट इस बाइक को थोड़ा सा क्रूजर होने के साथ साथ थोड़ा सा रेट्रो वाला डिजाइन भी दिया जाएगा, जिससे बाइक को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया जा सके और थोड़ा सा अपीलिंग बनाया जा सके, जिससे राइडर्स को एक रेट्रो वाला फील भी मिल सके और एक क्रूजर वाला भी फील मिल सके। क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको राउंड हेडलैम्प्स दिए जाएंगे, रियर व्यू मिरर होगा वो आपको क्रोम दिया जाएगा जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड की मीटियोर में मिलता है, इंटरसेप्टर में मिलता है, और टीयर ड्रॉप शेप वाले आपको इसमें इंडिकेटर देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस बाइक में क्रूजर है तो क्रूजर की तरह इसमें आपको विंड स्क्रीन भी देखने को मिल सकती है, तो काफी कमाल का कॉम्बिनेशन होने वाला है। बहुत जल्द ये बाइक इंडियन मार्केट में आने वाली है। जहां पर लॉन्च डेट की बात है तो देखिए कहा ये जा रहा है कि ये बाइक जो है जून जुलाई तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन सारी चीजों को देखते हुए अगर दोबारा से लॉकडाउन वगैरह या फिर कोविड वगैरह जैसे सीन नहीं होते हैं तो बाइक जल्दी लॉन्च हो जाएगी, लेकिन अगर डिले होता है तो वो आपके सामने आपको पता चल ही जाएगा। आप लोगों ने मोटोनॉमिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। बट जहां पर क्रूजर की अगर मैं प्राइस की करूं तो ये बाइक जो होने वाली है तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास हो सकती है। तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से इस साल जो लास्ट बाइक आने वाली है वो रॉयल एनफील्ड की वही बुलेट 350 है, जो स्टैंडर्ड बुलेट आती है, जो रॉयल एनफील्ड की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। इसका एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है बहुत जल्द, और इस बाइक के अंदर कॉस्मेटिक चेंजेस तो किए ही जाएंगे बल्कि इस बाइक के अंदर आपको न्यू इंजन भी दिया जाएगा, वही जो न्यू जे सीरीज वाला इंजन है जो आपको नई क्लासिक 350 और मेटियोर के अंदर दिया जाता है। उन दोनों इंजन को जानने के लिए या फिर मेटियोर और क्लासिक 350 को जानने के लिए आप लोग मोटोनॉमिक्स पर कई सारी वीडियो देख सकते हैं जो मैंने क्लासिक के ऊपर भी बनाई है और मेटियोर पर भी बनाई है और हिमालयन जैसी बाइक्स पर भी बना दी है, तो आप लोग रॉयल एनफील्ड की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करता हूं कि इसके अंदर क्या नए चेंजेस होने वाले हैं जो देखने में बदले जाएंगे, वो होंगे कि इस बाइक के अंदर आपको राउंड हेडलैम्प्स दिए जाएंगे और इस बाइक के अंदर आपको राउंड मिरर्स दिए जाएंगे जो आपको इसमें पहले भी दिए जाते थे। बाकी इस बाइक के अंदर आपको वही अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं, पहले आपको इसके अंदर स्पोक्स व्हील्स मिलते थे जो आपको ट्यूब वाले टायर होते थे, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको इस बार हो सकता है कि अलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन दे दिया जाए, जिससे आप लोग ट्यूबलेस रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड को चला पाएंगे। बाकी जहां तक बात है कि और फीचर्स की, तो अभी और फीचर्स नहीं सामने आए हैं कि कितना चेंजेस होता है, वो तो वक्त आने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई लाइटिंग सेटअप जो होगा, लाइटिंग सेटअप अभी भी LED नहीं होने वाला है क्योंकि क्लासिक है, एक स्टैंडर्ड बुलेट है तो उसके अंदर सबसे सस्ती आती है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा LED वगैरह की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। बाकी कलर के ऑप्शन ज़्यादा आने वाले हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं, ग्राफिक के अंदर बदलाव आ सकते हैं, कुछ नई बैजिंग मिल सकती हैं, तो ये सारे कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो इस RE की जो नई बुलेट आने वाली है एक न्यू प्लेटफॉर्म पर, उसके अंदर ही चेंजेस होने वाले हैं। बाकी जहां तक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 1,60,000 से 1,80,000 के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है। बाकी जो लॉन्च डेट है वो इस साल के एंड तक हो सकती है। तो जो नेक्स्ट बाइक है वो भी एडवेंचर सेगमेंट की ही बाइक है, एडवेंचर टूर सेगमेंट की ही बाइक है, लेकिन ये बाइक जो है वो सेगमेंट की टाइगर है, और मैं बात कर रहा हूं बिग बाइक्स की, यानी ट्रायम्फ की। और ट्रायम्फ जो है वो अपनी दो नई बाइक्स को इस साल इंडियन मार्केट में लेकर आने वाले हैं। उनमें से पहली जो है वो टाइगर स्पोर्ट है 660 इंजन के साथ, और एक है टाइगर न्यू वर्जन ऑफ 1200cc। और इस बाइक के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं आइए जान लेते हैं। तो ये ट्रायम्फ की जो टाइगर 660 है ये सबसे अफोर्डेबल बाइक होने वाली है
टाइगर सीरीज की। टाइगर जो है वो एडवेंचर टूर सेगमेंट में बाइक्स आती हैं, इनकी काफी पॉपुलर हैं, और ये बाइक जो है सबसे अफोर्डेबल एडवेंचर टूर सेगमेंट की बाइक होने वाली है, जो 660 इंजन के साथ, यानी 660 सीसी वाले इंजन के साथ आने वाली है। और ये वही इंजन होने वाला है जो ट्रायम्फ की ट्राइडेंट 660 के अंदर मिलता है, जो ऑलरेडी बाइक मार्केट में आती ही है। बाकी जहां पर बात है इसके प्राइस की, तो ये बाइक की जो प्राइस होने वाली है वो तकरीबन 8 से 10 लाख के बीच में होने वाली है। वहीं जो दूसरी बाइक है ट्रायम्फ की टाइगर 1200, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाने वाले हैं। उसके अंदर आपको न्यू इंजन मिलने वाला है, उसके अंदर चेंजेस बदली जाएगी, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिकली चेंजेस होंगे। वो क्या चेंजेस होंगे अभी तक तो नहीं बदल पाया है, लेकिन ये बाइक बहुत जल्द दोनों ही बाइक्स इंडियन मार्केट में आने जा रही है। जहां पर टाइगर 1200 की प्राइस की बात है, तो देखिए टाइगर 1200 जो है वो एक एक्सपेंसिव और काफ़ी कमाल की बाइक है, जिसका प्राइस तो काफ़ी जस्टिफाई कर जाता है उसके फीचर्स और उसके उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए। तो इसका जो प्राइस होने वाला है वो तकरीबन 18 से 20 लाख के बीच में होने वाला है टाइगर 1200 का। वहीं जो टाइगर स्पोर्ट 660 है, उसका मैंने आपको प्राइस बता दिया है कि वो 8 से 10 लाख के बीच में होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों बाइक कब तक आने वाली है। देखिए दोनों बाइक जो है वो वेबसाइट पर लिस्ट हो चुकी हैं ट्रायम्फ की, और ये बाइक जो है अगले 3 महीने के अंदर बहुत जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। तकरीबन जून तक आपको ये दोनों ही बाइक्स इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इस लिस्ट की बाइक होने वाली है वो है यामाहा की MT-15 ऑलरेडी इंडियन मार्केट में आती है, लेकिन इसका एक अपडेटेड वर्जन इंडियन मार्केट में आने वाला है। क्या है वो अपडेट्स, कब तक आ रही है ये बाइक, आइए जान लेते हैं। तो देखिए यामाहा की जो MT-15 है वो बहुत ही पॉपुलर बाइक है 155 सीसी सेगमेंट के अंदर, लेकिन यामाहा ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि वो प्लान कर रही है यामाहा MT-15 का एक नया मॉडल को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का। और इस बाइक के अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे, कोई मैकेनिकल चेंजेस नहीं होगा, इंजन के अंदर कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि यामाहा MT-15 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जिसमें आपको 155 सीसी वाला इंजन मिल जाता है जो 18.23 बीएचपी की पावर प्रोड्यूस करता है और 13.9 एनएम का टॉर्क जनरेट कर देता है। तो इंजन तो काफी कमाल का है पावर फिगर्स के हिसाब से भी और चलाने के हिसाब से भी, तो बाइक तो बहुत अच्छी है चलने में। लेकिन इसके अंदर कुछ एडॉन्स किए जाने वाले हैं इसकी कलर स्कीम्स के अंदर, यानी आपको कुछ नए कलर दिए जाएंगे और कुछ नए एडिशन के साथ इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा, जहां पर आप लोगों को कुछ मॉन्स्टर एनर्जी वाला एडिशन मिल जाएगा। इसी के साथ जैसे आपको मिलता था उसी तरीके से आपको कुछ नए एडिशन दे दिए जाएंगे, या फिर आपको उसके अंदर कुछ नए ग्राफिक्स दे दिए जाएंगे। तो कॉस्मेटिक वाइज चेंज होने वाले हैं, ये तो बात तय है। लेकिन जहां तक बात है लॉन्च की, तो देखिए लॉन्च इसका जो है अभी डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन यामाहा प्लान कर रही है अप्रैल के अंदर एक लॉन्च करने का। हो सकता है कि अप्रैल वाला जो लॉन्च है वो MT-5 से ही रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है कि MT-15 का जो लॉन्च है वो फिर अक्टूबर नवंबर तक 2022 में टाल दिया जाए। लेकिन जहां पर प्राइस की बात है, तो देखिए कुछ नया आ रहा है, कुछ नए कलर्स आ रहे हैं, कुछ नए ऑप्शंस आ रहे हैं, हो सकता है कि इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ कुछ नए फीचर्स भी दे दिए जाएं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए, अपसाइड डाउन फोक्स वगैरह सारी चीजें इसके अंदर जो मिल जाती हैं अगर आपको, तो उन सारी चीजों को देखते हुए इसका प्राइस जो है वो तकरीबन 10 से 20 हजार के बीच में इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तक अभी जो बाइक का प्राइस है वो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास इंडियन मार्केट में आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें 10-20 हज़ार का इंक्रीज हो गया, इस बाइक का थोड़ा सा प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यही है वो कुछ कमाल की बाइक जो इस साल आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है, अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई लॉकडाउन या फिर कोई सारी जो शॉर्टेज चल रही है मार्केट के अंदर चिपसेट वगैरह की, अगर वो कुछ ठीक ठाक रहती है तो ये सारी बाइक इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको इनमें से कौन सी बाइक पसंद आ रही है, या फिर आप लोग इनमें से कौन सी बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग ये मत भूलिएगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एक बटन दबा के, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और मोटोकॉमिक्स की सभी अपडेट्स ले जाइए, जहां पे आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, faraz23 जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ मोटोकॉमिक्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप लोग को लाइव अपडेट्स सभी लॉन्च की अपडेट्स मिलती रहती हैं कि आजकल कौन से लॉन्च चल रहे हैं, क्या अपडेट्स होने वाली हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, क्या नए बड़े बदलाव हो रहे हैं, उसको जानने के लिए इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके आप लोग Motonomics1 डालिए और Motonomics को फॉलो कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप लोग पहली बार आए हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो लेकिन बोरिंग नहीं हुई होगी। और जहां पर लंबी वीडियो है मतलब यह है कि मेहनत ज्यादा हुई है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो पेंडिंग के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।